एक तरफ एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आई है, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। मानहानि का ये पूरा मामला था और बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिली है। दरअसल पूरा मामला क्या था ये हम आपको बताते हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को जमानत मिली है। मानहानि मामले में आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में पेशी थी और जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। दरअसल पूरा मामला विधानसभा चुनाव का है, जिस समय राहुल गांधी ने तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और उसी मामले में आज जो है कोर्ट में पेशी थी। पूरा मामला मानहानि का था और इस पे जो आरोप लगाया गया था कि झूठे विज्ञापन छपाए गए थे और इस मामले में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री है सिद्धार्थ मैया भी आरोपी बनाए गए थे और सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी छूट की मांग की थी, लेकिन आज जब वो पेश हुए तो सीधे तौर पर उन्हें जमानत दी गई है, मानहानि के मामले में जमानत दी गई है। दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार को लेकर लगातार माथापच्ची जारी है, एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है लेकिन उस पर भी कई शर्तें लगी हुई है, क्योंकि अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए में जो सहयोगी दल है चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, दोनों ही दलों ने अपनी अपनी शर्तें रखी है। आज जरूर बैठक हो रही है और जिसमें पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 9 जून के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यानी कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है और पूरा मामला ये मानहानि से जुड़ा हुआ मामला था। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो है सीधे तौर पर जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन पर आरोप लगाया था, कमीशन खोरी का आरोप लगाया था और जिसके बाद बीजेपी ने यह मामला दर्ज करवाया था और आज इस पर जब सुनवाई हुई तो सीधे तौर पर राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है।